निकल पड़े बाहर। और क्या हाल चाल? बढ़िया, ठीक है भैया। चलो अच्छा, खुश रहो। और ये है हमारी प्यारी सी गाड़ी, पेड़ के नीचे ये सब सामने साफ वाफ करवा दी, चमकवा दी है, धुलवा दी है, पुछवा दी है, हम इसमें बैठते हैं। अरे मौसम बड़ा सेक्सी हो गया यार, क्लाउडी हो गया, क्लाउडी देखो, एकदम क्लाउडी हो गया, क्लाउडी मज़ा आ गया यार, ऐसा मौसम चाहिए हम लोग को। ये देखिए हमारे पड़ोस का मकान कितना अच्छा उन्होंने रेनोवेट कर लिया है, दूसरों ने कितना अच्छा रेनोवेट कर लिया, सब ने वो उधर वहाँ रेनोवेट कर लिया है। देखिए यहाँ इन्होंने रेनोवेट कर लिया है, इन्होंने रेनोवेट कर लिया, ये सब मकान बढ़िया रेनोवेट हो गए। देखिए फर्स्ट क्लास चमक आ दिए लोगों ने अपने, बढ़िया चकाचक हो गया। वैसे चलने दो तो पहले हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं कहाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेलियरगंज ब्रांच, टेलियरगंज मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ फटाफट अपना काम करते हैं, फिर वहाँ से हम आगे निकलते हैं दूसरे बैंक में, वहाँ का कुछ काम है, फिर हम जाते हैं फटाफट, टाइम हो जाएगा तब तक हम जाएंगे। आज मूड बन रहा है देखने का पिक्चर, वो भी सेल्फी, सेल्फी और पिक्चर है, सेल्फी और पिक्चर हॉल का नाम है पैलेस, पैलेस पुराना पैलेस चकाचक। तो चलिए निकलते हैं और हम लेते हैं मस्ती। बेबी सिंह तो कुछ बोल ही रहे पीछे से, ये खुदाई क्या लगा के तुम बनी हुई हो? अभी उन्हें खुदाई बंद की थी, फिर शुरू करती है इन्होंने। ये है हमारा SBI बैंक टेलियरगंज का, तो हमारा काम धाम यहाँ पे कुछ है। देखिए कितना ग्रीन है, मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांच थी, ये पता नहीं अभी है कि नहीं है, अब शायद हो सकता ना भी हो, क्योंकि मोतीलाल ने अपना अलग से बैंक खोल लिया। तो ये सब मोतीलाल का एरिया है और ये बैंक है इनका। अब देखिए कितना वैसे ही है कि चेंज हो गया होगा सब कुछ कुछ। तो हो गए हमारे काम मोटे मोटे, अब हम बाकी जो उन्होंने बोला नेट बैंकिंग करने के लिए वो हम कर लेंगे अपने आप, और हम बढ़ते हैं आगे यहाँ से। हम सिविल लाइन्स इलाहाबाद में घूम रहे हैं प्रयागराज में, और मेन सिविल लाइन में देखिए यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए ये बच्ची छोटी सी है और देखिए ये कैसे रोप के ऊपर वॉक कर रही है, इतना आसान काम नहीं है, देखिए कितना मुश्किल काम है। देखिए सब जो आते जाते लोग हैं देख रहे हैं और बच्ची हमारी चल रही है, देखिए है ना। तो क्या कहते हैं आप लोग इसके ऊपर में, कोई प्रतिक्रिया आपकी? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना सर्वाइवल के लिए आदमी, वो क्या क्या करना पड़ता है। बेबी सिंह देखिए कैसे ध्यान से देख रही है उसको, बच्ची को। चलिए इसी बात पे अब हम आगे चलते हैं। तो इलाहाबाद में घूम रहे हैं और हमने घूमते हमने सोचा कि यार कहाँ यहाँ नाइट्रोजन मिलेगी, तो यहाँ मिल गई हमको। ये है सामने लेजेंड होटल है ना, इसके सामने पेट्रोल पंप पर यहीं भरवाएं, यहीं चेक कराएं। बेटा धन्यवाद, 34 नंबर भरवाएं हमें का गाड़ी में, हमका मज़ा आएगा भाई यार, बहुत है सही। तो आज हमारा मन बन गया है पिक्चर देखने का, तो हम पिक्चर देखने आ गए हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पुराना पिक्चर हॉल था पैलेस के नाम से, तो हम वहीं पर आ गए हैं। बेबी और हमारे भैया जी साथ साथ खड़े हैं वहाँ सामने, देखिए पिक्चर हॉल के सामने। ये था पहला पिक्चर हॉल, पूरा पिक्चर हॉल था ये पैलेस, लेकिन अब इसको बना दिया इन्होंने स्टूडियो, और इसके सामने में बगल में है ये पिक्चर हॉल का टिकट, और इसकी एंट्री अब लेफ्ट से है। तो देखिए साहब लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं लोग? 15 मिनट और घुस सकते हैं अंदर। अच्छा घुस सकते हैं, गुड, वेरी गुड। अब इन्होंने इसको ऐसे बना दिया है, ये पुराना पोर्शन है वो अंदर है। देखिए हम खड़े हैं कामधेनु पे और ये हमारे साहब खड़े हैं हमारे साथ, और इनको खाने की आदत पड़ी हुई है पफ। ये देखिए एक पफ खा रहे हैं और हमको गाली भी दे रहे हैं साथ साथ। क्यों गाली दे रहे हैं पता है आपको? कह रहा है कि यार मेरा मुँह गंदा हो गया, मेरा ये गिर गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया। देखिए वो भी हम सुन रहे हैं और पफ भी खा रहे हैं, देख रहे हो? अब देखो ये देखो इनसे मिलिए, अब ये कहानी सुनते रहिए। ये देखिए काम धेनु पे खड़े हैं और बेगम साहब हमारी जो पहले कुल्फी खा के त्रस्त हो चुकी हैं। कुल्फी उन्होंने भी खाई, ऐसी बात नहीं है, कुल्फी उन्होंने भी खाई है, लेकिन एक कुल्फी के बाद ये भी खा रहे हैं। देखिए आप मतलब क्या बात है, जलवा देखिए आप, ये है हमारे श्रीलंका का जलवा। खाने के बाद अब हम पैलेस पिक्चर हॉल में घुस रहे हैं और यहाँ पे हो चुका है हमारा थिएटर चालू, पिक्चर का टाइम है 1:15 और अभी बज रहे हैं 1:10। टिकट हम ले चुके हैं, चलिए आइए। तो हमारी एंट्री हो गई है, टिकट हमने इनको चेक करवा दी अपनी पैलेस की, और हॉल की एंट्री कहाँ से है भैया जी? एयर से जाई चला आवा हो चला, यहाँ से एंट्री बा। अच्छा यहाँ से एंट्री बा। तो हम बैठ गए हैं पिक्चर हॉल में, देखिए पूरा हॉल खाली है। 6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले हम थिएटर में बैठे हुए हैं, उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए भाई साहब हमारे आ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हमारे आगे की सरकार 23 स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है।
पिक्चर देख के हम बाहर निकल आए हैं पैलेस में से, और पैलेस के ऑलमोस्ट सामने ही है हमारा ये एल चिको। तो हमने सोचा चलो यार अब खाना जो है यही खा लेते हैं एल चिको में। अब हम चल दिए हैं एल चिको में, अब हम एल चिको जा रहे हैं, कम से कम कुछ खाना तो खा लें। भाई साहब पहले ही पहुँच गए हैं, बेगम साहब उधर पहले ही आ गई हैं, तो लेट अस गो टू द रेस्टोरेंट वेयर देयर इज खाना। खाना इधर से रास्ता है क्या? इधर से? अच्छा हम तो कभी गए नहीं पहले इधर से, आई थॉट पूरा रेनोवेट कर दिया उन्होंने। तो ये क्या? अच्छा ये इनका पेस्ट्री शॉप है। ओके नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम बैक साइड, इधर से एल चिको में से निकला है बाहर, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट तो बंद हो गया। अभी टाइम बज रहे हैं 4, तो उन्होंने कहा हमारा रेस्टोरेंट 3 बजे बंद हो जाता है। एल चिको ने कहा कि हमारा रेस्टोरेंट 3 बजे बंद हो जाता है, तो अब हम वहाँ से वापस निकला है बाहर। अब हम आगे ढूंढ रहे हैं कौन से में जाएं। तो हमको दिखा एक और, तो हमको दिख गया एक टैमरिन ट्री। ये टैमरिन ट्री जो है ये अगर आपको पता हो इलाहाबाद में होटल लेजेंड है, उसके पास में है सामने ऑपोजिट, तो हम उसमें घुस रहे हैं। और ये देखिए साहब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं। शाम के बज रहे हैं 4 बज रहे हैं शाम के। हाँ तो चलिए आइए डेट सेंटर बेबी सिंह। चलो जी आई थिंक दिस इज़ बेटर, वी कैन हैव समथिंग हेयर। तो हम आ गए टैमरिन ट्री में, और आप देखिए यहाँ का स्पेशल मेन्यू इज़ चाइनीज़ एंड साउथ इंडियन एंड स्नैक्स। और इधर में है इनके डोसे, इनके इंडेपेंडे पो। अब इंडेपेंडे पो क्या होता है ये हमें पता नहीं है। अब देखिए सब देख रहे हैं विदाउट चश्मा लगाए, चश्मा जब पिक्चर देखते तब लगाते हैं, और जब खाना खाना तो चश्मा उतार देते हैं। देखिए कितने इंटेलिजेंट, ये चश्मा लगा लेती हैं जब खाना खाना, जब पिक्चर देखते तो ये उतार देती हैं। तो ये इधर उल्टा है इधर उल्टा है, और मैं दोनों टाइप करता हूँ, मैं चश्मा लगाता ही नहीं हूँ, चाहे पिक्चर देखूँ और चाहे खाना खाऊँ, तो हमारा काम चल रहा है। मतलब इस पिक्चर की थीम मेरे को तो वही लगी कि भाई अगर फ़ैन बोलता है कि मैं अपने एक्टर की अपने सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो एक्टर ने भी बताया कि भाई मैं भी अपने फैंस की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई उसने जाके उसको बचाया ना दौड़ के, इमरान हाशमी को दौड़ के वापस आया बचाया आखिर में, तो बचाया ना दौड़ के आके। हाँ दोस्ती हो गई, तो बस यही थीम है इसकी। और बाकी एक्शन हीरो जो देखा हमने वो भी अच्छी थी, करण जौहर का डांस। ये है हमारा व्यू अंदर से टैमरिन ट्री का, अंदर का व्यू ऐसा ही है इसका जो है। आप देखिए डेकोर इज़ ओके ओके, नॉट वेरी हाई फाई बट चलो ओके okay. तो ये हो हमारा है हमारा सूप, क्या नाम है इसका सूप का, मनचाओ सूप। और इधर हो रहा है हमारा मैसूर पाक डोसा। देखिए डोसा खाने के शौकीन हैं ये, और हम बताएंगे अब निहाल सिंह को कि देखिए पापा आपके जो है ताबड़तोड़ डोसा खा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं इस तरफ मुड़ के आगे पीछे कि हमारा डोसा कोई और ना खा जाए, तो इसलिए वो जो है बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ये कह रही है कि मिर्चा बहुत है, चलिए खाइए और क्या है। हम अपना सूप पी चुके हैं और हमने मंगाया एक और सैंडविच। अब सैंडविच देखते हैं कैसा आता है। आपका क्या कहना सैंडविच के ऊपर में? कुछ नहीं कहना है आपका, कहना खाली ये कि खाते हुए मेरी फ़ोटो मत लिया करो। शाम की चाय हमारी हो रही है हमारे चाचा जी के पास, हमने चाय पी ली है और यहाँ मस्ती हो रही है, मस्खरी हो रही है। देखो इसने मेरे को जबरदस्ती झूले में से उठा करके खुद बैठी है झूले में, बदमाश सामने नहीं देखेगा। लेकिन अबे तू सामने देख। तो हमारी चाय में हुई है गुजिया, गुजिया 2 बज गई फिर भी से, सॉरी कचौड़ी और वो गाजर का हलवा वो भी खा गए सब लोग, और ये दालमोट और ये पापड़, इतना कुछ हमने चाय के साथ खाया, हम लोग को मजा आ गया, बिल्कुल मस्ती आ गई। शाम के बजे अभी 6, और हम आगे देखते हैं अपना कार्यक्रम कैसे होगा। अभी भी जे आर्टिफिशियल दान लग गया ते सालों साल तेनू याद किया जाएगा के बिकॉज Because of baby singh मेरा दान लग गया है और तेन देख सुनना पाऊगा। सत्रह हजार से कह रहे महंगे आ, साडे उथे आओ आर सी टी करदा एक दान का कहंदा 15,000 रुपया आर सी टी।
और एक बार मैं भाई सस्ता है अच्छा राम सानो ना ही याद दिलावे दस्से कि हम तेरा केड़ा सस्ता केड़ा महंगा तुसी लोग ही समझो भाई। तो हम आ गए हैं अपने टेम्परेरी घर में आज की रात और फिर हम निकलते हैं वापस, कोशिश करते हैं कल निकलने के लिए वापस अपने दिल्ली। तो आज के लिए आपको ब्लॉग को बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, फिर कल मिलेंगे आपसे।